अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और एक दो दिन पहले मैंने अपनी यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में एक यूरोपीय कंट्री की तरफ से 2 मिलियन जॉब्स पब्लिश होने की आप लोगों की खबर दी थी। तो उसी सिलसिले में ये मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मुकम्मल तफसील है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं कोई वीज़ा प्रोवाइडर हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, और ये जितनी भी मैं मालूम आपको देता हूँ वो सब मुझे यूट्यूब के थ्रू मिलती है। तो अगर मेरी मालूम में कोई ऊंच नीच हो या कुछ गलत हो तो आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि तमाम मालूम नेट के थ्रू ही ली गई हैं और थोड़ी बहुत रिसर्च तो हो सकता है इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। तो चले मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि एक यूरोपीय कंट्री की तरफ से 2 मिलियन जॉब्स ऑफिशियली पब्लिक हुई हैं और पब्लिश हुई हैं, और ये यूरोपीय कंट्री जो है वो है जर्मनी। जर्मनी ने मेक इट इन जर्मनी के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसपे बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ख़ास तौर पर स्किल पर्सन के लिए जॉबें पब्लिश हो रही हैं। इसका जो तरीका है और इसके बारे में जो मालूम है मैंने वो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करी है और मैं आपको वो दिखाऊंगा भी। छोटा सा वो है, जर्मनी की जॉब्स हैं खासतौर पर स्किल पर्सन के लिए। तो आपको इसको सिंपली आपको कहीं कुछ नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको वेबसाइट विजिट करनी है, वेबसाइट पर अपने मतलब की जॉब देखनी है। अगर आप स्किल पर्सन है, आपके पास तजुर्बा है, आप हाईली एजुकेटेड हैं, तो मे बी पॉसिबल कि ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। तो ये इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें और इसको अच्छी तरह से विज़िट करें। देखिए थोड़ा हर चीज़ में टाइम लगता है। मैंने भी जैसे आपको पता है कि मैंने भी USA का वीज़ा हासिल किया था, उसके लिए भी मैंने कम से कम 3 से 4 महीने नेट के ऊपर रिसर्च की थी, सब चीज़ें देखी थी और नेट के थ्रू ही मैंने अप्लाई करा था। सही है, तो जो आप खुद अच्छी तरह से जज कर सकते हैं वो कोई दूसरा जज नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस वेबसाइट को सर्च करें, यहीं से सब कुछ होगा, यहीं पे वीज़ा फॉर्म भी है, यहीं पे तरीक़ाकार भी बताया गया है, यहीं पे हर चीज़ का इन्होंने लिंक दिया हुआ है, यहीं पे इन्होंने वर्क परमिट, परमिट रेजिडेंसी और जो वीज़ा फॉर्म वगैरह है सब इन्होंने यहीं पे डाउनलोड करके दिए हुए एक इसी वेबसाइट के ऊपर। मतलब ये कि एक वेबसाइट के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया समो दी अपनी जर्मनी की। तो ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, आप इसको विज़िट करें। अगर आपको लगता है कि ये कोई एक जॉब आपके लिए सूटेबल है तो आप फ़ौरन अप्लाई करें। और अप्लाई करने के लिए है कि अगर आउटसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड जर्मनी, अगर जर्मनी में है तो आप वैसे ही वहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर रहते हैं जर्मनी से तो आपको इसके लिए मेरे ख्याल में जॉब सीकर वीज़ा होता है वो लेना पड़ेगा पहले। अगर आपको जॉब ऑफर होती है या आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप जॉब सीकर वीज़ा होता है जर्मनी का, 6 महीने का, वो लेना पड़ेगा। उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। चले अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट किस तरह वर्किंग करती है और यहाँ पर क्या क्या है और किस तरह यहाँ पर जॉबें पब्लिश हुई हैं और यहाँ पे वो और किस तरह इसकी डिटेल है, कैसे इसको अप्लाई करना है और कौन सा कॉन्टेक्ट पर्सन है और ये और इसमें सारी डिटेल मौजूद है। चले मैं वीडियो को शॉर्ट करता हूँ और मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। चले आए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और खोलते हैं गूगल सर्च। सबसे पहले आपने अपने गूगल सर्च की टास्क बार पे जाना है, वहाँ पे लिखना है मेक इट इन जर्मनी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे उल्टे हाथ के ऊपर मेक इट इन जर्मनी के नाम से ये देखें यहाँ पे एक लिंक आ रहा है वेबसाइट का। सही है, ये मेक इट इन जर्मनी भी है, दी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट भी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी है, जॉब लिस्टिंग भी है, वर्किंग इन जर्मनी भी है। चले आए हम इस वेबसाइट को खोलते हैं, देखते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर है क्या। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखें
एक वेबसाइट खुल गई है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की, जहाँ पे जॉब लिस्टिंग, जहाँ पे जॉब लिस्टें हुई हुई हैं, ये देखें मेक इन जर्मनी, और यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्किंग इन जर्मनी जिसमें ग्रीन जॉब है, नर्सिंग प्रोफेशनल है, फिजिशियन है, इंजीनियरिंग है, आईटी स्पेशलिस्ट है, साइंटिस्ट है, फाइंडिंग जॉब है, लुकिंग फॉर जॉब, अप्लाई फॉर जॉब है, जॉब लिस्टिंग है, अच्छा स्टडी एंड ट्रेनिंग है, यहाँ पे देखें कैन आई कंप्लीट अ कोर्स ऑफ स्टडी इन जर्मनी, ये सब है, अच्छा फिर यहाँ पे वीज़ा और रेजिडेंस है, टाइप ऑफ वीज़ा है, यहाँ पे सारे वीज़े बताए गए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, वर्क वीज़ा, यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड वीज़ा, फॉर आईटी प्रोफेशनल वीज़ा, फॉर जॉब सीकर वीज़ा, अच्छा नेक्स्ट जो है वह है लिविंग इन जर्मनी, अच्छा वीज़े के अंदर ये है कि वीज़ा वीज़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अंदर अगर आप ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्म खुल जाएंगे, जो आप सबसे आपने सबसे ऊपर वाला डाउनलोड करना है, जो इस वेबसाइट के ऊपर आपको काम करेगा उसी को आपने भरना है और उसी को आपने सबमिट कराना है, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं इसमें है क्या, इसको हम बंद करते हैं, अच्छा ये देखें ये सब इधर यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है, ये ग्रीन जॉब इन जर्मनी मेरिट इनको मिल गई है, ये कैरियर है जर्मनी का है, इंफॉर्मेशन रशियन अबाउट वर्किंग इन जर्मनी, गेटिंग वीज़ा, स्टडिंग, ये बहुत डिटेलिंग में दी हुई है, अच्छा ये जॉब लिस्टिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये जॉब लिस्टिंग है, आपने चले इसको क्लिक करते हैं टू दी जॉब लिस्टिंग, हमने इसको क्लिक करा, ये एक और विंडो खुल गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपको फाइंड द जॉब दैट सूट्स यू, फर्स्ट करें आपने ये सेक्टर है, सेक्टर में ये इन्होंने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कई ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर का ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन है, इन ट्रैफिक लॉजिस्टिक सेफ्टी, ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फार्मिंग एंड गार्डनिंग, ठीक है। ये सारे जॉब स्ट्रक्चर हैं आपकी फील्ड हैं, चलिए जैसे इसको मैं पहले पे क्लिक करता हूँ ये सर्च सेक्टर में, ये मैंने हेल्थ केयर का सर्च किया था, तो देख लें ये है, ये गेरिट्रिक नर्स है, ये सारी जॉबें पब्लिश हुई हुई हैं, ये अप्रैल 27 2023 को पब्लिश हुई है, ठीक है। अब इसका सैम्पल देख लेते हैं, ये इसको करेंगे व्यू डिटेल, जैसे ही व्यू डिटेल करेंगे तो ये इसकी डिटेल खुल जाएगी, ये देखें ये नर्स की जॉब है, रेफरेंस नंबर है इसके अंदर, लैंग्वेज एप्लीकेशन सही है, ये लिखा वर्किंग आवर्स कितने हैं, वर्क प्लेस कौन सी है, कंपनी साइज कौन सा है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओपन एंडेड ऑनलाइन सिंस अप्रैल 27 2023, ठीक है। ये सारा जर्मनी के जर्मन लैंग्वेज में है, लेकिन आपकी आसानी के लिए है कि राइट साइड पे आप देखेंगे ये ट्रांसलेट इट वाया योर ब्राउजर, इसके ऊपर आप क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी सामने, ये जैसे हम ये खोलेंगे तो ये ऊपर जर्मनी और इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन है, इंग्लिश पे कर लेना आपने, उसके बाद ये आप ये देखें ये और इसका वो दिया, डिटेल दी हुई है, नर्स की लैंग्वेज है, रेफरेंस नंबर है, वर्किंग आवर्स हैं और कंपनी साइज़ है, क्योंकि ये पूरी इसकी ड्यूटीज डिटेल हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या चाहिए, ये इन्होंने अपना पता दिया हुआ है, उसके बाद ये कांटेक्ट डिटेल है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं, ये आपने CV भेजनी है, अटैच है रिक्वायरमेंट, अटैचमेंट है, CV है, सर्टिफिकेट है, फिर आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाउ टू गो राइट अ गुड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे लिखें इस बारे में आप ये देखते हैं, इसको चेक करते हैं। अच्छा अप्लाई फॉर अ जॉब, अपना CV के बारे में बताया गया कि आपने CV किस तरह आई और एप्लीकेशन ये पूरी के एप्लीकेशन आपने किस फॉर्मेट में इनको भेजनी है, कवर लेटर है, मोटिवेशन लेटर है, अपना CV है, इसमें क्या 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 का पर्सनल डेटा, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल, यूनिक स्किल, टिप 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 में सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोपास वेबसाइट है, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि हाउ एवर कंपनीज इन जर्मनी यूजली अप्रिशिएट एन इंडिविजुअल डिज़ाइन फॉर योर एप्लीकेशन, हैंस यू कैन यूज़ द यूरोपास CV एंड अदर गाइड
एंड देन एडजस्ट इट टू योर इंडिविजुअल स्टाइल। मतलब आपने यूरो पास पर जाके अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे सीवी वगैरह क्रिएट करनी है, उसको इनके जर्मन जो इनकी वो है जो होता है लॉ, उसके मुताबिक इन्होंने आप में ढालना है और इनको भेजनी है। तो आप यूरो पास पर जाएँ और आपको कोई मुश्किल नहीं है, यहीं से क्लिक करें, वहीं पर अपनी सीवी क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इन्होंने उसके लिए ये भी दिया हुआ है, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट है। फिर इसके बाद इंटरव्यू किस तरह देना है, प्रिपरेशन क्या करनी है, असिस्मेंट सेंटर है, यू डू नॉट लिव इन जर्मनी, या बाहर रहते हैं तो आपको इसके लिए भी जॉब सीकर वीज़ा लेना पड़ेगा। ये नीचे जॉब सीकर वीज़ा, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आप इसके लिए जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें जो 6 महीने का होता है। वहाँ जाके आप जॉब ढूंढें, जॉब मिलेगी आपको परमानेंट रेजिडेंस के लिए, आप फिर वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, वो लें और जॉब करें वहाँ पे। तो इसके लिए जॉब वीज़ा ज़रूरी है, जॉब सीकर वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा लें 6 महीने का, वहाँ जाके आप स्टे करें, जॉब ढूंढें। और इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें एक्सप्लेन वीडियोज़ ये हैं कि इस वीडियो में सब कुछ बताया है कि ये देखिए लिखा हुआ है एक्सप्लेन वीडियो, हाउ डू आई सक्सेसफुली अप्लाई इन जर्मनी, जर्मनी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं कुछ, आप फर्स्ट टाइम इसको विज़िट कर रहे हैं वेबसाइट को, तो आपको जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। तो आप इसको खोलें वीडियोस को, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और इनका सिस्टम क्या है। बहुत आसान है, जाहिर सी बात है। आप इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, ये जो इनका सेगमेंट है इसमें आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी, हॉटलाइन पे भी और चैट पे इस तरह कि इनके और अपने टाइम को कंपेयर करके टाइम जोन उनके 9 to 5 जो उनका जो भी टाइम हो रहा हो आपके मुताबिक वो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लें। तो ये सब चीज़ें बता देते हैं चैट के थ्रू भी आपको, ये ऑनलाइन जो है ना आपको सब मालूमात मिल जाएंगी। बहुत अच्छा ये सेगमेंट है, आप इसको ट्राई करें, इस वेबसाइट पर जाएं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। उम्मीद है आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे अपने मतलब की कोई भी जॉब ढूंढेंगे। इसमें बहुत सी जॉबें हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है और ये ऊपर ऊपर जाएंगे तो देखेंगे फॉर स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर के ऊपर करेंगे तो नीचे ये सारी ये जॉब लिस्टिंग आ जाएंगी। ये देखें, ये है जॉब लिस्टिंग, ये सारी जॉब है। ये देखें, ये है, ये जैसे क्लर्क है लॉजिस्टिक के लिए, ये है कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रॉपर्टी मैनेजर है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है, एनर्जी एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, ये साइट मैनेजर है। तो ये बहुत सारी हैं, इस वेबसाइट को विज़िट करें, ठीक है। इसका मैं लिंक भी अपने उसमें डाल दूंगा, ये है मेक इट इन जर्मनी के नाम से, वर्किंग इन जर्मनी द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करेंगे, मे बी पॉसिबल शायद इस वेबसाइट को विज़िट करना आपके लिए अच्छा साबित हो और आपको कोई अपने मुताबिक कोई सूटेबल जॉब मिल जाए। इसमें थाउजेंड ऑफ जॉब हैं, हर तरह की जॉब है इसमें, यहाँ तक कि पिज़्ज़ा बेक करते हैं उनकी भी जॉब है। तो ये आप लोग इसको सर्च करें, अगर आप स्किलफुल हैं, आपका एक्सपीरियंस, आप पैशनेट हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन इसमें थोड़ी सी इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप इस पर टाइम सर्व करें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मैं इसी तरह आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोस लाता रहूँ जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी साजगार साबित हों। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।